उज्जैन नगर निगम के लिए काम कर रही टाटा कंपनी पर नगर निगम द्वारा ही प्रकरण दर्ज करवाया गया। शहर में खुदाई के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते नगर निगम ने नानाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। उज्जैन शहर में इन दिनों सीवरेज लाइन बिछाने के नाम पर चारों तरफ खुदाई की जा रही है और खुदाई करने के बाद उन गड्ढों को व्यवस्थित भी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शहर के आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर निगम ने शहर के सीवरेज लाइन के लिए टाटा कंपनी को बड़ा काम दिया है, लेकिन टाटा कंपनी अपनी शर्तों के खिलाफ जाकर काम कर रही है। टेंडर शर्तों के अनुसार जिस क्षेत्र में खुदाई की जा रही है वो काम होने के साथ ही सड़क को अच्छी स्थिति में करना है, इसी के साथ सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान भी रखना है। लेकिन टाटा कंपनी ने जिन लोगों को काम करने के लिए रखा है वे किसी भी शर्त का पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पूर्व में भी नगर निगम के द्वारा 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और लगातार लापरवाही होने पर नगर निगम जुर्माना लगाता रहा। अब तक नगर निगम 4 करोड़ का जुर्माना लगा चुका है। लगातार जुर्माने के बाद भी टाटा कंपनी ने अपने काम के तरीके को नहीं बदला और वार्ड क्रमांक 51, 52 और 53 के अंतर्गत आने वाले उद्यानों और डिवाइडर को नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते नगर निगम ने मामले की शिकायत नानाखेड़ा थाना पुलिस से की। वहीं नानाखेड़ा थाना पुलिस ने नगर निगम से मिली शिकायत पर टाटा कंपनी पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। नगर निगम से उद्यानिकी विभाग के अधिकारी आए थे, जिन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र दिया कि टाटा कंपनी जो कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य कर रही है, ये बहुत सारी गड़बड़ कर रही है और उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंची है और जो मिट्टी खोद रही है वो मिट्टी भी जो है निजी हाथों में दे देते हैं और जो वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हैं रास्ते में वो सारे पेड़ पौधे बिना अनुमति के उन्होंने काट दिए हैं। जो उनकी JCB और कुछ मशीनरी है उनको भी क्षति पहुँचाई है। तो इन सभी बिंदुओं पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड आरोपी है।